नमस्कार, अगर आप दिल्ली में हैं और ऑटो रिक्शा की सवारी करना चाहते हैं तो आपको किराया ज़्यादा देना होगा। दिल्ली सरकार ने फैसला लिया है कि ऑटो रिक्शा का किराया बढ़ाया जाएगा। दिल्ली सरकार में ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर का कहना है कि ये उनका वादा था। अब ऐसे में लोगों की क्या प्रतिक्रिया है और ऑटो रिक्शा वालों का क्या कहना है, आइए जानते हैं इनकी राय। दिल्ली सरकार ने ऑटो रिक्शा के किराया बढ़ाने की बात की है, पहले तो आप मुझे बताइए कि अब तक परेशानी क्या आ रही है पिछले 4-5 सालों में? परेशानी तो यही है सर, हम लोग के तो ओला वाले ने काम खा गया, ओला उबर वाले ने, जो कैब्स हैं हाँ, और उबर हाँ, इनके वजह से आपके बिजनेस को इफेक्ट हुआ, साफ अटैक हो गई है, इसलिए कि काम धाम है ही नहीं। हम जो भी किराया बढ़ रहा है तो मीटर से सवारी बैठेगी नहीं, जैसे है वो उतना ही है। हम लोग के तो ऐसे सही है, लेकिन ज़्यादा किराया बढ़ जाएगा तो और सवारी नहीं मिलेंगी। तो आप सरकार से क्या चाहते हैं? सरकार से क्या चाहते हैं, हम लोग तो चाहते हैं तो ओला उबर ये सब बंद करवाएं, जो ऑटो पहले से चालू चल के आई है, ऑटो और टैक्सी काली पीली। तो आपके हिसाब से आपको लगता है कि जो ये जो किराया बढ़ रहा है इससे कुछ खास फर्क नहीं पड़ेगा? फर्क तो पड़ जाएगा, बहुत फर्क पड़ेगा। वो ये किराया बढ़ना चाहिए था ओला उबर की, जब हम लोग के काम मिलता ओला उबर के 15-20 रुपये किलोमीटर करता तो हम लोग के काम मिलेगा। तो आपका ये मानना है कि अगर किराया बढ़ता है तो लोग मीटर से नहीं बैठेंगे? मीटर से बैठेंगे नहीं, वो तो कहेंगे तो बहुत आएगा पैसा, तो उससे अच्छा ओला में जाऊंगा सस्ता। हाँ, ओला वाला के बढ़ना चाहिए सर। दिल्ली सरकार ने जो ये ऑटो रिक्शा के किराया बढ़ाने की बात की है उस पर आपका क्या, आपको क्या लगता है कि किराया बढ़ना चाहिए नहीं बढ़ना चाहिए? दिल्ली सरकार का किराया, जो दिल्ली सरकार जो भी फैसला ले रहा है, ऑटो का किराया तो बिल्कुल नहीं बढ़ना चाहिए, जो भी है पहले से वही बहुत है। और जहाँ तक है दिल्ली सरकार को चाहिए कि मेट्रो में जो किराया बढ़ा रखा है पहले से उसको ही 25% कम कर दे, तो दिल्ली का जनता का बहुत बड़ा सहयोग होगा। बस यही मैं मुख्यमंत्री जी से कहना चाहता हूँ। बाकी कुछ जो दिल्ली सरकार ये ऑटो रिक्शा का किराया बढ़ा रही है उस पर आपका क्या कहना है? अच्छी बात है जी, बढ़ रहा तो अच्छी बात है। तो किराया बढ़ने से ये भी तो होगा कि आपका अगर किराया बढ़ गया तो कैब जो है जिसका किराया इसके मुकाबले कम हो जाएगा तो लोग तो उसको ज़्यादा यूज़ करेंगे। वो तो सबके लिए है जी, इसमें क्या होगा, सबकी रोजी रोटी है इसमें, जिसका बढ़ेगा वो ठीक है, नहीं बढ़ेगा उसका भी ठीक है। तो आप खुश हैं किराया बढ़ने से? हम तो खुश ही हैं जी। जो ये दिल्ली सरकार ने फैसला लिया है कि ऑटो रिक्शा का किराया बढ़ाया जाएगा, इसमें आपकी क्या रिएक्शन है? नहीं बढ़ना चाहिए, इसके लिए नहीं चाहिए। और जो मेट्रो में वुमेन के लिए फ्री किया है उस पर आपका क्या कहना है? इसके लिए तो थोड़ा ठीक ही किया लगेगा, सभी वुमेन ही बोलेगा थोड़ा ठीक है। ऑटो का आप कहते हैं नहीं बढ़ना चाहिए? नहीं बढ़ना चाहिए ऑटो का, ऑलरेडी तो इतना है, फिर अगर बढ़ेगा तो फिर आमद भी क्या करेगा। सबसे पहले तो हमें सोचना चाहिए सरकार किस लिए बढ़ाना चाहिए, ये जो किराया बढ़ा रहा है किस पर्पज़ में बढ़ा रहा है वो सोचना चाहिए, और बढ़ाएंगे तो हमारा जो ऑटो वाले है उसको भी तो फ़ायदा होना चाहिए, कि वो तो दिन भर मजबूर कर रहे अपना कमाने के लिए, घर से निकल कर आ रखा है तो किस लिए, उसको भी जो थोड़ा पैसा होना चाहिए। ऐसे बात नहीं कि हम किराया कम कर दें उन लोगों का नुकसान हो, ये भी नहीं होना चाहिए, दोनों का फ़ायदा हो जाए, जो जाने वाला है उसका भी फ़ायदा होना चाहिए और जो किराया लेके जा रहे हैं ऑटो वाले उसका भी फ़ायदा होना चाहिए। तो आपकी नज़र में किराया बढ़ाना ठीक है? किराया बढ़ाना ठीक ये नहीं, अगर किस पर्पज़ में बढ़ा रहे वो पहले हमें जानना चाहिए, उसके बाद। ये जो किराया ये तो आम आदमी के लिए बहुत ही गलत है, ये मतलब किराया कम होना चाहिए। हाँ, आगे केजरीवाल सरकार क्या करता है देखता है, नहीं तो आगे मोदी सरकार आना चाहिए दिल्ली में, मोदी सरकार। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, नहीं बिल्कुल ही खुश नहीं है कुछ, मतलब इसका कोई भी अच्छा नहीं मैं देख रहा हूँ जो यार कोई ये हो रहा है। ऑटो किराया नहीं बढ़नी चाहिए, क्योंकि बढ़ने से तो फिर आम आदमी को बहुत मुसीबत का सामना करना पड़ेगा, एक तो महंगाई वैसे बढ़ रही है और ट्रेवलिंग भी प्रॉब्लम हो जाएगी, इसलिए किराया नहीं बढ़ना चाहिए। ये जो दिल्ली सरकार ने फैसला लिया है ऑटो रिक्शा किराया बढ़ाने का उस पर आपको क्या कहना है? भैया ऑटो टैक्सी किराया कोई नहीं बढ़ रहा, कौन किराया बढ़ रहा है? बढ़ा तो दिया। क्या बढ़ा दिया? ऑटो का बढ़ाया होगा, ऑटो चालक नहीं, हम टैक्सी चालक है। बढ़ना चाहिए, अगर पेट्रोल डीजल की कीमतें बढ़ रही हैं तो वो भी तो अपना घर चलाएंगे, इसी के लिए बढ़ना चाहिए। तो आप बोलते हैं डिसीजन सही है? सही है, क्योंकि हर चीज़ के भाव बढ़ रहे हैं तो उनके भी तो बढ़ेंगे ही। हर लोगों की ज़रूरतें होती है, अगर ऑटो वालों को किराया पड़ रहा है तो और भी चीज़ें तो महंगी हो रही है ना, इनके बारे में भी सोचना ही पड़ेगा हमें। नहीं तो एक तरफ दिल्ली सरकार ने मेट्रो में वुमेन के लिए फ्री कर दिया, दूसरी साइड ऑटो रिक्शा का किराया बढ़ा दिया, इसमें क्या कहना है, क्या लगता है? ऑटो रिक्शा तो एक जगह अपनी ठीक है, और मेट्रो में अगर महिलाओं के लिए फैसिलिटी सरकार दे रही है तो उसमें थोड़ी कमी करनी चाहिए, क्योंकि एकदम से लिवरेज देना वो ठीक नहीं रहेगा, उससे क्या है लोगों के ऊपर ही काफ़ी ज़्यादा प्रेशर आ जाएगा। इससे किराए पर गाड़ी चलाते हो
वो कमाए या ना कमाए, वो बेचारे को 500 600 रुपया रोज उनको भरना है, चाहे वो 200 कमाए या 400 कमाए, मालिक तो मानेगा नहीं, उनको तो 500 600 रुपया शाम को जमा कर देना है। अब उनको भी बीवी बच्चे हैं, अब उनको दो पैसे नहीं बने बचेगा तो बाल बच्चे को कहाँ से खिलाएंगे, इसलिए उनको तो बढ़ना चाहिए। हाँ, बढ़ना तो नहीं चाहिए ऑटो रिक्शा में, मतलब अगर बढ़ गया तो फिर खर्चा बढ़ जाएगा डेली का आने जाने का, वही बस। नहीं बढ़ना चाहिए, नहीं मैं ये कह रहा हूँ कि ओला का रेट बढ़े तो जाके इसका मतलब कि इस पर सवारी बैठने लगेगी, जब इसका रेट बढ़ जाएगा तो फिर तो सवारी तो ओला सस्ता पड़ेगा तो ओला ही की तरफ भागेगी वो। तो आपके हिसाब से नहीं बढ़ना चाहिए? नहीं बढ़ना चाहिए, ओला को बढ़ना चाहिए रेट, ओला का ही बढ़ना चाहिए सर, क्योंकि सस्ता ये महंगा हो जाएगा उससे तो इसमें कौन बैठेगा, एसी गाड़ी वो है सर, इसमें तो देख रहे सर सुबह से बैठे हैं वो नहीं हुआ है सर, क्या पता सर धूप में देख ही रहे हैं कैसा चिलचिला धूप है, बाकी तो सर आप लोग सब जान ही रहे सर। तो सरकार ने अच्छा फैसला नहीं किया? नहीं थोड़ा और अच्छा फैसला नहीं किया सर, बढ़िया चीज़ है तो उसका रेट तो तगड़ा ही होना चाहिए, बढ़ जाए तो ये बताइए कि ओला का रेट सस्ता पड़ेगा तो ओला ही की तरफ भागेगी ना, हमारे तरफ कौन आएगा, उसमें एसी है सर, हर फैसिलिटी हमारा गाड़ी है, एसी है, जहाँ ऑनलाइन करते हैं वहीं पहुँच जाती है, गर्मी में कौन बैठेगा सर धूप में, आप ही बताओ सर, उसमें बैठेगा एसी भी, हम सवारी को या सवारी 10-15 मिनट वेट कर लेती है ओला के लिए, लेकिन ऑटो में नहीं बैठती है। क्या लगता है आपको ये जो किराया बढ़ाने की बात हुई है? किराया बढ़ाने की बात हुई है तो इलेक्शन का हथकंडा है इनका, और वैसे ही हमारे पास काम नहीं है, किराया बढ़ाने से कोई फ़ायदा नहीं, काम तो है ही नहीं, सवारी वैसे नहीं मिल रही है हमारे को। तो आपको क्या लगता है क्या होना चाहिए था? होना ये चाहिए था कि जो हमारा ये 25 रुपये से चालू है 2 किलोमीटर तक, ये 0 से पहले चालू था, सवारी बैठती थी जैसे जैसे 10 पैसे 20 पैसे ऐसे पैसे फेंकता जाता था, उस सिस्टम में ठीक था। अब ये जो बढ़ाए हैं वैसे ही सवारी नहीं मिल रही है, ड्राइवर को आप देख रहे हैं सब ड्राइवर कैसे धूप में तड़प रहे हैं, इतनी देर से आप है कोई सवारी आई है? कोई नहीं सवारी आई है, किराया बढ़ाने से कोई फ़ायदा नहीं है, नुकसान है बल्कि। और किराया बढ़ेगा तो ओला उबर के लिए बताती है सवारी, कहती है ओला 200 रुपये ले रही है, हमने 150 रुपये बता दिए, कहती है एसी में जाएंगे, ऑटो में कौन जाएगा, इसलिए किराया बढ़ने से ऑटो में कोई जाएगा नहीं, बिल्कुल ही खड़ा हो जाएगा। बढ़ाना है तो ओला उबर का, जब किराया बढ़ेगा, जब ओला उबर का किराया बढ़ेगा तो ऑटो का बढ़ना चाहिए, क्योंकि ऑटो का 10 रुपये किलोमीटर होगा तो ओला का 20 रुपये किलोमीटर हो जब ऑटो में सवारी बैठेगी, अन्यथा ऑटो में सवारी नहीं बैठ सकती।